हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक आज मैं आपको बताऊंगा इंडिगो कैडेट पायलट प्रोग्राम्स के बारे में इसमें मैं आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थोड़ा इंट्रोडक्शन से इंडिगो एयरलाइंस ने अपनी पायलट डिमांड्स फुलफिल करने के लिए तीन ओवरसीज फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप किया है इसमें पहला है सी कैनेडियन एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स सिर्फ इसी में आपके पास दो पाथ हैं पहला है डोमेस्टिक और दूसरा है इंटरनेशनल पाथ जिसमें डोमेस्टिक पाथ को बेस पे क्लोज कर दिया गया है है FTA, है फ्लाइट ट्रेनिंग एडिलेड तीसरा एयरलाइन एकेडमी जिसका प्रीवियस नाम था सी एविएशन ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड के सबसे लीडिंग एविएशन ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं इसमें आप किसी में भी अप्लाई करो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स आपको सेम ही मिलेगा बस टोटल फीस और बाकी सब चीजों में इन तीनों में कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं बट कोर्स कंप्लीट करने के बाद फाइनली आपको इंडिगो में ही फ्लाई करना है अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है इसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से इसमें फर्स्ट आता है एज लिमिट एंड नेशनैलिटी इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम एज एटीन ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम थर्टी टू ईयर्स होनी चाहिए ऑन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन प्लस सिर्फ इसमें इंडियन नेशनल्स ही अप्लाई कर सकते हैं सेकेंड है क्वालिफिकेशन इसमें आपके स्टैंडर्ड में फिजिक्स मैथ्स एंड इंग्लिश में इंडिविजुअली मिनिमम फिफ्टी वन परसेंट मार्क्स होने चाहिए थर्ड है मेडिकल फिटनेस इसमें आपके पास एटलीस्ट क्लास टू मेडिकल होना चाहिए रिटर्न एग्जाम के पहले एंड कंपलसरी क्लास वन मेडिकल होना चाहिए ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू के पहले अगर आप इन सब कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हाउ टू अप्लाई सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सी में अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है देन अप्लाई नाउ में क्लिक करना है देन न्यू अकाउंट आपको रजिस्टर करना है इसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है जैसे आपका नेम पेरेंट्स नेम ऑक्यूपेशन एड्रेस एकेडमिक क्वालिफिकेशन पासपोर्ट नंबर आधार कार्ड नंबर क्लास टू और क्लास वन मेडिकल असेसमेंट फोटो एंड सिग्नेचर साथ ही अगर आपको कोई प्रीवियस फ्लाइंग एक्सपीरियंस है या आपने डी एग्जाम क्लियर कर रखा है तो उन सब्जेक्ट्स की डिटेल यहाँ पर भरनी है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि, कि किसी भी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन को प्रोसेस नहीं किया जाता इसीलिए आपको सारी डिटेल्स ध्यान से फिल करनी है रजिस्ट्रेशन के बाद आपका एक पर्सनल प्रोफाइल बन जाएगा इसके बाद सिर्फ आपको डिजायर्ड प्रोग्राम सेलेक्ट करना है और अप्लाई नाउ में क्लिक करना है जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे इंडिगो की टीम आपकी डिटेल्स रिव्यू करेगी और अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सूटेबल हो तो आपको एक कन्फर्मेशन मेल भेजा जाएगा इस ई में आपको ए टू जेड सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी जिसमें कोर्स बुकलेट रिटर्न एग्जाम डेट एग्जाम फीस सिलेबस टोटल फीस स्ट्रक्चर प्लस साथ में दो एप्लीकेशन फॉर्म भेजा जाएगा जिसमें आपको फिर से अपनी सब बेसिक डिटेल्स भरनी है देन इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको वापस ईमेल करनी है साथ ही टेंथ एंड ट्वेल्थ स्टैंडर्ड की मार्कशीट ट्वेल्थ के अलावा कोई भी हायर डिग्री की मार्कशीट क्लास ट्वेंट क्लास वन मेडिकल असेसमेंट आपका रेज्यूमे आई प्रूफ कॉपी रजिस्ट्रेशन अमाउंट रिसिप्ट ये सब आपको ई करनी है जिसे रिसीव करने के बाद आपको एक कन्फर्मेशन मेल भेजा जाएगा प्लस एग्जाम के फोर फाइव डेज पहले आपको हॉल टिकट भेजा जाएगा अब नेक्स्ट स्टेप आता है रिटर्न एग्जाम रिटर्न एग्जाम का सिलेबस आपको पहले से ही ईमेल कर दिया जाएगा इसमें फिजिक्स मैथ्स एंड इंग्लिश के सारे टॉपिक्स स्पेसिफाइड हैं इसमें आपको इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ क्लास से बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे बट कुछ क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी रहते हैं इसलिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें आपको हंड्रेड मार्क्स के फिफ्टी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें तीन सेक्शन रहेंगे फर्स्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग इससे सेवनटीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेकेंड है टेक्निकल नॉलेज एंड एप्लीकेशन मतलब फिजिक्स से सेवनटीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे देन थर्ड है लैंग्वेज स्किल एंड अवेयरनेस इसमें बेसिक इंग्लिश एंड जीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टोटल एग्जाम ड्यूरेशन आपका टू आवर्स रहेगा प्लस इसमें आपको कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहता रिटर्न में पास होने के लिए आपको मिनिमम सेवेंटी आउट ऑफ हंड्रेड स्कोर करना है और इसका रिजल्ट आपको रिटर्न के आठ से दस दिन बाद ई के थ्रू भेजा जाएगा इस स्टेज में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप फिर से अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स अप्लाई कर सकते हैं जब तक आप एलिजिबल हो और जब तक आप पास नहीं होते रिटर्न रिजल्ट के एक से दो दिन बाद आपको दो मेल भेजा जाएगा फर्स्ट ईमेल में आपको एक एडवांस पर्सनैलिटी क्विज का लिंक भेजा जाएगा इसमें आपको लिंक के साथ एक लॉग डिटेल भेजा जाएगा जिसे फॉलो करने के बाद आपको पर्सनैलिटी से रिलेटेड टू से थ्री हंड्रेड पूछे जाएंगे इन क्वेश्चंस का कोई सही या गलत जवाब नहीं रहता ये सिर्फ आपकी पर्सनालिटी को एज एन इंडिविजुअल टेस्ट करने के लिए रहता है इसीलिए आप जितना ऑनेस्टली इसका जवाब देंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा इस क्विज को आप ऑनलाइन घर से ही सबमिट कर सकते हो लेकिन इसे एक फिक्स डेट के पहले सबमिट करना मैंडेटरी है जनरली आपके नेक्स्ट फेज जिसका नाम है कैश उसके पहले आपको इसे सबमिट करना है सेकेंड ई में आपको नेक्स्ट फेज कैश असेसमेंट की सारी डिटेल्स भेजी जाएंगी कैश का फुल फॉर्म है क्रियू असेसमेंट एंड सिलेक्शन सिस्टम इस टेस्ट के लिए आपको एक फिक्स डेट एंड टाइम दिया जाएगा इसमें तीन फेसेस रहते हैं फर्स्ट है एडवांस पर्सनालिटी क्विज इस टेस्ट को जैसे मैंने पहले बताया आप घर से ही सबमिट कर सकते हो सेकंड है असेसमेंट और तीसरा है स्काइप स्काइप इंटरव्यू इंटरव्यू सिर्फ सिलेक्शन प्रोसेस में एप्लीकेबल है बाकी एफ एंड एल में आपका स्काइप इंटरव्यू नहीं रहता कैश असेसमेंट सेंटर जनरली डेली में दिया जाता है इस टेस्ट के पहले आपको इंस्ट्रक्टर्स ब्रीफिंग देंगे इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप वहीं पूछकर क्लियर कर सकते हैं इस टेस्ट में आपको एक सिंगल कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना है जिसमें कीबोर्ड और माउस की मदद से आपको पूरा टास्क कंप्लीट करना है ईमेल के साथ आपको एक अडेप्ट मैनुअल भेजा जाएगा जिसका फुल फॉर्म है एस एस डेवलप एंड परफॉर्मेंस ट्रेनिंग मैनुअल इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसमें इस टेस्ट को परफॉर्म करने के ए टू जेड सारे इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं साथ ही टेस्ट के हर स्टेज से पहले आपको स्क्रीन में ही ब्रीफिंग इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा इस असेसमेंट टेस्ट में फोर स्टेजेस रहते हैं इसमें फर्स्ट है मैथ्स पेपर इसमें आपको टेंथ लेवल का ट्वेंटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसे आपको थर्टी मिनट्स में सॉल्व करना है सेकेंड है फिजिक्स पेपर सेम इसमें भी आपको टेंथ लेवल का ट्वेंटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसे आपको थर्टी मिनट्स में पूरा करना है तीसरा है पर्सनैलिटी क्विज इसमें आपको पर्सनैलिटी से रिलेटेड टेन क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसे आपको फास्टली सॉल्व करना है फोर्थ है फिजिकल टास्क स्टेज जिसे फास्ट भी कहते हैं ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क है इसमें आपको कंप्यूटर स्क्रीन में इस तरह का कॉकपिट दिखेगा जिसमें एयरक्राफ्ट ऑटोमेटिकली फ्लाई करता रहेगा इसमें लेफ्ट लोअर कॉर्नर स्क्रीन में एक एयरक्राफ्ट ऑटोमेटिक राइट डायरेक्शन में फ्लाई करता रहेगा साथ ही एयरक्राफ्ट के अपोजिट डायरेक्शन से इस तरह के रेक्टेंगुलर व्हाइट ऑब्स्टेकल भी कंटिन्यू आते रहेंगे इसमें आपको कीबोर्ड के अप एंड डाउन की की मदद से एयरक्राफ्ट को इनसे कोलाइड होने से बचाना है टेस्ट के दौरान आपको हेडफोन भी दिया जाएगा जिसमें आपको एयर ट्रैफिक कंट्रोल ए से कंटिन्यूसली इंस्ट्रक्शन मिलते रहेंगे जैसे स्पीड हेडिंग ऑल्टीट्यूड वे पॉइंट्स इसे आपको ध्यान से सुनना है प्लस याद भी रखना है क्योंकि टेस्ट खत्म होने के बाद आपको इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कॉकपिट के बीच में आपको एक रूट मैप दिखेगा प्लस एयरक्राफ्ट एंड वे पॉइंट्स नाम से दो बटन दिखेंगे अगर आपको नियर बाई कोई भी एयरक्राफ्ट गुजरता दिखेगा तब एयरक्राफ्ट बटन प्रेस करना है एंड जब भी किसी वेब पॉइंट्स को आप क्रॉस करोगे तब वेब पॉइंट्स बटन पे क्लिक करना है इसके साथ आपको लोअर राइट कॉर्नर स्क्रीन में कंटिन्यूसली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें आपको मेंटल अर्थमेटिक रीजनिंग एप्टीट्यूड ग्रिड टेस्ट कलर टेस्ट स्पेलिंग एरर ये सब पूछे जाएंगे जिसको आपको बहुत फास्टली सॉल्व करना है क्योंकि ये क्वेश्चंस सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही फ्लैश होते हैं फाइनली इस स्टेज के तुरंत बाद आपको इस फ्लाइट मिशन के ऊपर ट्वेल्व क्वेश्चन पूछे जाएंगे फॉर एग्जाम्पल आपने पूरे मिशन में कितने एयरक्राफ्ट को देखा या कितने बार आपने बीप साउंड सुना या कितने वे पॉइंट्स आपने क्रॉस किए सेकेंड वे पॉइंट पर कौन सा लैंडमार्क था इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे हर क्वेश्चन में आपको सिर्फ ट्वेल्व सेकेंड का टाइम मिलेगा तो ऑल इन ऑल आपका मल्टी टास्किंग सिचुएशनल अवेयरनेस मेमोरी टेस्ट कॉगनेटिव स्किल्स ये सब चेक किया जाएगा कि आप इस जॉब के लिए सुटेबल हो कि नहीं कैश के ही दिन या कुछ दिन बाद आपको इंटरव्यू का डेट दिया जाएगा इसमें यूके से साइकोलॉजिस्ट आपका इंटरव्यू लेंगे इसके लिए आपके पास स्काइप आईडी होना जरूरी है इसमें आपको वो बेसिक एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस प्लस टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछेंगे इन तीनों स्टेजेस के बाद आपकी परफॉर्मेंस का क्यूमुलेटिव रिजल्ट दिया जाएगा प्लस अगर आपने इसे क्लियर कर लिया तो ग्रुप एक्टिविटी एंड पर्सनल इंटरव्यू का डेट दिया जाएगा ग्रुप एक्टिविटी में आपको इंडिगो के सीनियर कैप्टन ग्रुप में डिवाइड कर देंगे इसमें आपको एक जीडी टॉपिक या ग्रुप टास्क दिया जाएगा जिसे आपको एज अ टीम सॉल्व करना है इसमें इंडिगो ऑफिशियल्स आपकी लीडरशिप स्किल्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश फ्लुएंसी कॉन्फिडेंस ये सब टेस्ट करेंगे आपको इस टास्क को पर्टिकुलर टाइम लिमिट में कम्प्लीट करना है इसके बाद नेक्स्ट एंड फाइनल फेज रहेगा पर्सनल इंटरव्यू इंटरव्यू पैनल में आपको जितने भी ऑफिशियल्स मिलेंगे वो अपने फील्ड के मास्टर रहते हैं इसीलिए आप सारे जवाब ऑनेस्टली दीजिए आपने अपने रिज्यूमे में जो भी डिटेल्स लिखी हैं रिगार्डिंग्स अचीवमेंट्स हॉबीज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस उसके हिसाब से आपको डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से फिजिक्स एविएशन या जनरल अवेयरनेस के किसी भी टॉपिक से टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जिसका आपको कॉन्फिडेंटली एंड टू द पॉइंट जवाब देना है यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप रिटर्न के बाद किसी भी फेसेस में मतलब कैश ग्रुप एक्टिविटी और पर्सनल इंटरव्यू इनमें अगर आप दो बार फेल होते हैं तो आप कभी भी इंडिगो के किसी भी कैडेट प्रोग्राम्स में अप्लाई नहीं कर सकते फाइनली इंटरव्यू का रिजल्ट आपको एट से टेन डेज में दे दिया जाएगा इसमें सेलेक्ट होने के कुछ हफ्ते बाद आपको इंडिगो हेड क्वार्टर इन्वाइट किया जाएगा यहाँ आपको लेटर ऑफ इंटेंशन साइन करना है प्लस साथ में एक थर्ड पार्टी या फैमिली मेंबर को एज अ गारंटर ले जाना है जिनका नेटवर्थ एटलीस्ट थर्टी लैक्स हो इसमें आपको इंडिगो एच टीम हर चीज में गाइड करेंगे एंड सारे एजेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्रॉस चेक किए जाएंगे अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग लेटर ऑफ इंटेंशन या कोर्स से रिलेटेड तो आप यहाँ पे उन्हें पूछ सकते हो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपको एक अनडेटेड थर्टी लैक्स का चेक भी देना है जिसे इंडिगो एयरलाइंस रिकवर करेगा अगर आप कोर्स कंप्लीट करने में फेल हो जाते हो

आपको एस आर में ड्रग टेस्ट के लिए भेजा जाएगा इसके बाद आपको सिर्फ अपनी ज्वाइनिंग डेट का वेट करना है प्लस और भी कई छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है तो आई होप आपको कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा सो थैंक्स ओलाट फॉर वॉचिंग मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक स्टे फिट एंड टेक केयर